आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्वागत है आपका वन दरुआ की हजार क्वेश्चंस की सीरीज़ में। आज हम भाग नंबर दो को डिस्कस करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे वन दरुआ के लिए और किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए जिसमें साइंस जो है पूछी जाती है। इससे पहले मैं आपको पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, आप वीडियो में जाके लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं भाग टू का, कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट लगती है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है क्या लगती है, थकावट लगती है। जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। उस अवायवीय श्वसन के कारण, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण हमारे मसल्स में, हमारी पेशियों में जो लैक्टिक अम्ल जमने लगता है और उसकी कमी के से उसके जमने के कारण हमें क्या लगती है, थकावट लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैक्टिक अम्ल तब बनता है जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो है, अंगूर में है वो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अम्ल क्या होते हैं आपको पता होता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और अम्ल क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, रेड में बदल देते हैं। यानी अम्ल की खासियत होती है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, रेड में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन और ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे ब्रेन में। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। हमारा जो ब्रेन है वो इसी न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। इसका मेन काम होता है, तंत्रिका कोशिका का, हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन करना, हमारे शरीर में हमारे शरीर को मैसेज भेजना। हमारे शरीर पूरा ब्रेन से कंट्रोल होता है और ब्रेन जो मस्तिष्क है वो किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हुए होते हैं। तो दांत हैं वो मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। किसके? डेंटाइन के जो है बने होते हैं मुख्य रूप से दांत। दांत जो है हमारे शरीर में सबसे जो है कठोर अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है, आपको पता है पैरामीशियम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है वो, ऐसा दिखता है पैरामीशियम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जंतु है, छोटा सा है, बहुत ही आंखों से दिखता नहीं है नेकेड आईज से। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसका जो शेप है, वो वैसे ही होता है जैसे कि चप्पल के आकार का होता है। आंसर क्या होगा? पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। गाजर जो है वो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। किसका? विटामिन ए का। विटामिन, गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। तो केंचुए में एक भी आंखें नहीं होती, एक भी नहीं होती केंचुए में। केंचुए में आंखें नहीं होती, आईज नहीं होती, ठीक है। अब वो देखता किससे है? तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या करता है, उसमें कुछ स्पेशल सेंस होते हैं। वो स्मेल को, स्मेल की हेल्प से उसको पता चल जाता है कि मेरे आसपास खाना कब है, उसको स्मेल से वो, उसको हेल्प मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क है, ह्यूमन जो ब्रेन है, लगभग 1350 ग्राम का होता है। कितना? 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का, ठीक है, मानव मस्तिष्क। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो कौन सी होती है? हमारे ब्लड में क्या मिलता है? आयरन मिलता है।
यानी रक्त में आयरन मिलता है। आपने देखा होगा ना, सुना होगा, तो लोग बोलते हैं कि आयरन की कमी होगी, तो आयरन मतलब हमारे ब्लड में क्या मिलता है, आयरन मिलता है, जिसकी हेल्प से जो है ब्लड आयरन से मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए HW है, ये मेरी तरफ से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सा धातु मिलती है, तो आयरन होता है, लोहा। वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसका आप अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर आप इसका कमेंट करें, और जिसका सबसे पहले कमेंट होगा उसको उसका जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम और उसकी फ़ोटो दूंगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे रक्त है, तो आपको बताना है कि क्लोरोफिल में, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु मिलती है, कौन सी धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में आपको बताना है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। आपके ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन है आपके, और एक ऑप्शन है आपका कैल्शियम, और सेकंड ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में से आपको आंसर देना है। अगर आपको आता आप मुझे बताएं, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जाके कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।